भाषा प्रॉब्लम भाषा प्रॉब्लम हो गई तो फिर पूछना करना नहीं, वार्तालाप भी नहीं कर सकता। भाइयों के साथ एक भाई बैठा हुआ है, लेकिन आप तभी तो नहीं जानते, जानते अच्छा। तो भाइयों के साथ एक भाई बैठा हुआ है तमिल का हिंदी अनुवाद करने के लिए, माताओं के साथ एक माता बैठी हुई तमिल जानती है, तेलुगु भी जानते हैं, दोनों ही तेलुगु और तमिल जानते हैं, इसलिए आप जो कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, एक तुरंत का तुरंत अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। हाँ आप अपनी भाषा में बोलिए, ये अनुवाद करें, क्या पूछते हैं हिंदी भाषा आने अच्छा नहीं उसको बोलने, इसलिए अपना नंबर कुछ पीछे चले जाएगा, कोई बात नहीं, पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता है, जब पुरुषार्थ से विश्व की भाषा ही मिल सकती है तो भाषा नहीं सीखी जा सकती, नहीं सीख सकते भाषा नहीं होते बोलने के लिए, समझते नहीं है भाषा, लेकिन छह महीने में तीन महीने में ऐसी आजकल किताबें आती हैं जो गारंटी देते हैं संस्थाएं कि हम तीन महीने में ये भाषा सिखा देंगे, छह महीने में भाषा सिखा देंगे, और यहाँ ज्ञान में भी ऐसे देखा जा रहा है, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं कि जो हिंदी का का खा गागा ए बी सी डी नहीं जानते थे, और ज्ञान में आने के बाद एक साल के अंदर उन्होंने हिंदी में भाषण देना शुरू कर दिया। चलो हिंदुस्तानियों की बात छोड़ो, जो विदेश से आ रहे हैं उनमें भी ऐसे हैं कि छह महीना नहीं हुआ उनको अभी ज्ञान में आए हुए, भारत में आए हुए बाबा से मिले हुए, और छह महीने के अंदर ही उन्होंने ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया हिंदी में, पत्र लिखना बाबा को शुरू कर दिया हिंदी में, और दूसरों को ज्ञान भी सुनाते हैं हिंदी में। तो विदेशी आत्माएं छह महीने के अंदर इतनी होशियार हो सकती हैं, आप नहीं हो सकते, टाइम भाषा के लिए एक बात विशेष है, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सोसाइटी चेंज करनी पड़ती है, क्या सोसाइटी हिंदी वालों की अगर करेंगे तो हिंदी भाषा जल्दी आ जाएगी, सोसाइटी अगर मेंटेन करेंगे अंग्रेजी वालों की तो अंग्रेजी जल्दी आ जाएगी, सोसाइटी मेंटेन करेंगे तमिलियंस की तो तमिलियन भाषा जल्दी आ जाएगी। तो ऐसे ही आपको मिनी बदल मिले हुए हैं ढेर सारे, बाबा आपको निमंत्रण देते हैं कि आप आइए, हर मिनी बदल में हिंदी भाषा बोली जाती है, आप अगर हिंदी भाषा सीखी माता ने तो सहेला दिया, हम सीखेंगे बाबा, ये बात सब पूछती है आज तक प्रत्यक्ष होने के लिए आप कितना दिन लगेंगे, अभी तो प्रत्यक्ष होने लगे, दूसरा प्रत्यक्ष हुआ ना, दूसरे का नाम तो क्लियर हो गया, जो दूसरा अस्तदेव है पहला तो पहले भी प्रत्यक्ष था, लेकिन दूसरे के साथ पहला भी प्रत्यक्ष हो गया, तो दो तो प्रत्यक्ष हो गए, अब रह गए छह, तो छह को प्रत्यक्ष होने के लिए बाबा ने बोला है कि अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड अभी भी नहीं लगा है, माने छह जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होंगे,
है कि नहीं? तीन मूर्तियों को प्रत्यक्ष होने में कितने साल लग गए? क्या बाप को प्रत्यक्ष होने में 40 साल लग गए तब बाप प्रत्यक्ष हुआ? नहीं तो अम्मा ही प्रत्यक्ष थी। छोटे छोटे बच्चे किसको पहचानते हैं? माँ को पहचानते हैं। 40 साल ये बीते पूरे हुए तब बाप प्रत्यक्ष हुआ। ऐसे ही तीन मूर्तियों को प्रत्यक्ष होने में कितने साल लग गए? परंतु अष्ट देवों को प्रत्यक्ष होने में ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। थोड़े ही सालों के अंदर 8 देवताएं प्रत्यक्ष होने वाले हैं। दो तो प्रत्यक्ष हो गए, विष्णु के पहले प्रत्यक्ष होता है या विष्णु के बाद? विष्णु जो है, विष्णु में अष्टदेव भी है। क्या जो विष्णु का पार्ट है हमको पूछा बताने के लिए, आप अपनी बात कर रहे हो। जो विष्णु है उसमें अष्टदेवों में से जो मुख्य है वो भी है और उसकी सहयोगी भुजाएं भी हैं। क्या जो और सहयोगी भुजाएं है वो अष्टदेव नहीं हो सकती? विष्णु की जो और भुजाएं हैं वो सब अष्टदेव नहीं हो सकती। भुजाएं नीचे होती है या भुजाओं को चलाने वाला नीचे होता है? भुजाएं नीचे होती है, चलाने वाला ऊपर होता है। तो जो चलाने वाला है वो अष्टदेव की दृष्टि में, और जो भुजाएं हैं वो नीचे की स्टेज है। भक्ति में रामायण होते हैं वो रावण तो उसकी लंका में था और सीता को हरण करके लेके गया, तभी राम का ब्रिज बनाया था। देखो राम सेतु बनाया, राम सेतु बनाया उसको, और अभी क्या, अभी राम सेतु का बल में लाया था। अभी यहाँ जो एडवांस ज्ञान चल रहा है राम की पार्टी के द्वारा, एडवांस पार्टी के द्वारा, वो जो ज्ञान रत्नों का पुल है वो पत्थर बुद्धियों का है या पारस बुद्धियों का है? पत्थर बुद्धि है। उन पत्थर बुद्धियों के द्वारा जो ज्ञान है वो माउंट आबू तक पहुंच रहा है कि नहीं? पहुंच रहा है ना, वो राम से तो हो गया। जो लंका में रावण की लंका कहो, अभी माउंट आबू कहो, रावण का देश हो गया ना, उस देश में जो भी एडवांस नॉलेज पहुंच रही है वो रामचेत हो गया। तो लंका वाले चाहते हैं? लंका वाले नहीं चाहते। यहाँ भारत की जो मायावी गवर्नमेंट है वो भी नहीं चाहती कि रामचेत रहे। और राम संप्रदाय वाले क्या चाहते हैं? रामचेत रहे। जनता पार्टी क्या चाहती है? राम से तो चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। नहीं चाहिए तो यहाँ तो सब ये साफ नहीं होगा। इसलिए राम सेतु चाहे हद में हो और चाहे बेहद में हो, दोनों में एक ही बात है लागू होने वाली। वहां भी रामायण में दिखाते हैं कि राम सेतु जब बनाया गया तो 2 बंदर थे, उनके हाथ से जो पत्थर डाले जाते थे वो तैरने लगते थे, डूबते नहीं थे। तो यहाँ 2 बंदर कौन है? राम और कृष्ण। ये राम और कृष्ण 2 बंदर हैं जिनके बुद्ध रूपी हाथों से जिन पत्थर बुद्धियों को तैराया जाता है जंगल में, वो ऊपर ही ऊपर रहते हैं, डूबते नहीं है। नहीं, आपने तो समझा है, सबने नहीं समझा। भक्ति लड़कर राम से दो भक्ति हो, जब ज्ञान से लड़कर दो भक्ति लड़कर राम से लड़के ये अला ज्ञान से लड़के नम माउंट अब ब्रिज कटो அதுக்கு வந்து ஒன்றுதான், அதுல வந்து கல்லு புத்தி நம்ம அட்வான்ஸ் புத்தி தான் கல்லு புத்தி. இந்த கல்லு புத்திக்காரால் தான் அதான் சேர்ந்து பண்ணது, பாலம் பண்ணது.
कुछ बात इनसे बताने को रह गई तो आप बता दो। नहीं वो मत अच्छा और आगे रंग रंग माने ज्ञान का रंग, जो ज्ञान के रंग लगाने वाला ईश्वर है। क्या ऐसा ईश्वर जो ज्ञान का रंग चढ़ा देता है। अब रंग एक तरह का होता है या अनेक प्रकार के रंग होते हैं? रंग चढ़ाने वाला रंगेश्वर एक ही है, लेकिन रंग अनेक प्रकार के चढ़ जाते हैं, इसलिए सात रंग माने जाते हैं। मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? सात रंग होते हैं, तो सात ही नारायण निकलते हैं। क्या सात नारायण निकलते हैं जो रंगीन होते हैं मिजाज के। रंगीन मिजाज होता है तो दूसरे दूसरे रंगों में कन्वर्ट हो जाता है। एक रंग ऐसा है जिसको रंगीन नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे सफेद। इसलिए जो तीन मूर्तियों का झंडा यादगार बना हुआ है उसमें बीच का रंग कैसा है? सफेद है। அவர் வந்து நமக்குள்ள எல்லா விதமான கலர்களையும் இது பண்ணுறாரு. அந்த கலர்னால நம்ம வந்து எல்லா விதமான கலரும் படிச்சுக்கிறோம். ஏழு கலர்ல வந்து ஒரு கலர் வந்து ஒயிட், அந்த ஒயிட் கலர் பாக்கி எல்லாம் கலர் கலராக இருக்குது. அந்த லங்கேஸ்வர் மீனிங் வந்து நம்ம அவர் வந்து கலர் கொடுக்குறாங்க. வேற எதுவும் जो कर्ण है उसका कर्ण का अर्थ क्या होता है? कर्ण माने कान। क्या कर्ण माने? कान। कान का काम क्या होता है? सुनना। कान से सुना जाता है और कान को सुनाया जाता है। तो यहाँ कौन है कर्ण? भाषा में, ज्ञान की भाषा में जितने सुनना बहुत किया और सुनाया बहुत किया वो कौन है? कर्ण। लेकिन उसने कौरवों का साथ ज्यादा दिया। क्या पांडवों का साथ नहीं दिया? बहुत पावरफुल था। कौरवों को उसकी पावर के ऊपर नाच था। अरे कर्ण हमारे साथ है। उनको क्या नाम था? कौरवों को हमारी बीजे जरूर होगी। सूर्य का पुत्र है। किसका पुत्र है? सूर्य का पुत्र है। கவுரவர் एक बात और विशेष है। बहुत दानी था, महान दान। उसने जितना दान किया उतना और किसी ने दान नहीं किया। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ब्राह्मणों की दुनिया में तन का दान, धन का दान है, और मन जो लगाया वो दुनिया में नहीं लगाया। कहाँ लगाया? ज्ञान में लगाया। भले बुद्धि में नई बात नहीं निकली, लेकिन फिर भी जो भगवान ने सुनाया तो सुन वो ही दूसरों को सुनाया। तो तन से, मन से, धन से, वाचा से सबसे ज्यादा दान किया कि नहीं किया? किया। तो कर्ण हो गया।
अच्छा, और पांडव पहले प्रत्यक्षता रूप की जन्म लेते हैं या कर्म पहले जन्म लेता है? कर्म का पुत्र तो है, लेकिन सूर्य का पुत्र कैसा है, पहले जन्म लेने वाला या बाद में जन्म लेने वाला? पहले जन्म लेने वाला, पहले उसकी प्रत्यक्षता होती है। प्रत्यक्ष हो गया और उस कर्ण की पालना करने वाले कौन है? पालना करने वाले है वो दास दासी बनने वाले ज्यादा स्वभाव के हैं या राजा बनने वाले स्वभाव के हैं? जिन्होंने भी पालना की है वो विधर्मी है या स्वधर्मी है? विधर्मी है। जितने भी विधर्मी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं वो भारत को धोखा देने वाले हैं। जो धोखा देने वाले वो दास दासी बनेंगे, दास दासी स्वभाव के होंगे या राजा रानी स्वभाव के होंगे? दास दासी स्वभाव के होंगे। तो कर्म की पालना किसने की? दासी पुत्र कहा जाता है, सूर्य पुत्र, रथ रखने वाला, जो रथ चलाता है, कार चलाने वाला होता है वो सर्वेंट होता है या कि मालिक होता है? सर्वेंट होता है। तो सूत पुत्र था, किसका पुत्र था? सूत पुत्र था, माने दास का पुत्र था, राजा नहीं था, उसको राजा ही दी करोल। दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बनाया। किसका देखिए, कौन से देश का राजा बनाया? अंगदेश, ये अंग होते हैं ना, राजा बना दिया। शास्त्रों ने कैसे कैसे शब्द यूज किए? राज्य अंग जो है वो आत्मा से कनेक्टेड बात है, आत्मा से कनेक्टेड है अंग या देह से कनेक्टेड है? देह से कनेक्टेड, माने देहभान अंगदेश के राजा में ज्यादा होगा, देहभान अंगदेश के राजा में ज्यादा होगा या दूसरों में होगा? अंगदेश का जो राजा होगा तो सबसे ज्यादा देहभान होगा। सीता सीता देवी जनक पुत्री सोल्रदे ஆனாலும் அவங்க புத்திரியில ஒவ்வொரு கதையில சொல்றாங்க லங்கேஸ்வரனோட புத்திரி அவங்க, ஆனா அவங்களே கொஞ்சம் திரும்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி வருதா இல்லையா? கடைசியில அவங்க வந்து தன்னுடைய குழந்தை சொல்லிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது அதுக்கு வந்து இங்க நம்ம ஞானத்துல சீதா என்ன, சீதாக்கு ஜனக புத்திரி முத்தாரு, சீதாக்கு ராவண கா புத்திரி முத்தாரு, இப்படியே ராவண தோ அரசிலே லங்கா பேருக்கிறார். सीता रावण की पुत्री नहीं बोलते हैं। सीता जो है वो जब हल चलाया जा रहा था वो जमीन में से निकला, घर जमीन में से क्या निकला? घड़ा निकला। उस जमीन में से जो घड़ा निकला उसमें से वो पैदा हुई, क्या भूमि पुत्री हुई। और भूमि जो है पृथ्वी, वो पृथ्वी पांच तत्वों में सबसे मुख्य तत्व है, क्या मुख्य तत्व? मुख्य तत्व पांच तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनका मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी। और पृथ्वी में से सीता का जन्म हुआ ना, तो
पृथ्वी जो मुख्य तत्व है, जैसे कि पांच विकारों में मुख्य विकार कौन सा है? काम विकार। तो सबका मुखिया हो गया ना, जितने भी पांच डकैत है उन पांच डकैतों में मुखिया डकैत कौन सा हुआ? डाकू काम। ऐसे ही पांच तत्वों में सबसे मुख्य तत्व हुआ पृथ्वी तत्व। तो जो मुखिया होता है वो ही रावण का मुख्य सिर होता है। रावण के दस सिर हैं, पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और पांच तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये दोनों मिले तो रावण के दस सिर बन गए। क्या रावण के दस सिर बन गए? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांच विकार, और ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये दस मिल गए तो रावण के दस सिर बने ना। ये रावण के जो दस सिर बने हैं उनमें पांच विकार ज्यादा पावरफुल हैं या पांच तत्व ज्यादा पावरफुल हैं? पांच विकार पुरुष के, ये पुरुष के विकार है, और पांच विकार स्त्री के, प्रकृति, प्रकृति स्त्री है कि पुरुष है? नेचर, प्रकृति स्त्री है पुरुष है? स्त्री है। पांच विकार पुरुष के, पुरुषों में ज्यादा विकार होते हैं स्त्रियों में ज्यादा होते हैं? पुरुषों में ज्यादा विकार, पांच विकार पुरुष के और पांच विकार स्त्री के, इनमें ज्यादा दोनों में विकारों में और पांच तत्वों में ज्यादा पावरफुल कौन है? शिव ज्यादा पावरफुल है और शिव के बच्चे पांडव ज्यादा पावरफुल है या शिव की शक्तियां ज्यादा पावरफुल है? ज्यादा शक्ति किसको मिलती है पहले? शिव की शक्ति पांडवों को ज्यादा मिलती है या शक्तियों को ज्यादा मिलती है? जो नजदीक होगा उसको ज्यादा शक्ति मिलेगी या जो दूर होगा उसको ज्यादा शक्ति मिलेगी? नजदीक है। नजदीक है। तो कौन है नजदीक? शिव की शक्तियां ज्यादा नजदीक है शिव के या पांडव ज्यादा नजदीक है शिव के? प्रैक्टिकल जीवन में क्या देखने में आ रहा है? शक्तियां ज्यादा नजदीक है इसलिए वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है। कितनी पावरफुल हो जाती है? पांच विकार रूपी माया रावण जो है वो पुरुषार्थियों का कुछ नहीं बिगाड़ सका। पुरुषार्थी उनके ऊपर पांच विकारों का आक्रमण हो रहा है सन 36 से लेकर अब तक, लेकिन पुरुषार्थी फिर भी पुरुषार्थ करते चले जा रहे हैं। कुछ माया ने बिगाड़ा नहीं, माया रूपी रावण ने कुछ भी बिगाड़ा नहीं। और अभी तो अद्वैत वाणी ने कह दिया माया थक चुकी है। क्या जो पांच विकार है वो वार करते करते थक गए, अब क्या किया? अब माया ने जब थक गई ना, कोई शत्रु होता है जब लड़ाई लड़ते लड़ते थक जाता है तो क्या करता है? जीतने के लिए मारने। अरे इतने मारने की ताकत हो तो फिर वो थके क्यों? नहीं नहीं, उसको मार देंगे ना। अपोजिशन तो कर ही रहा था लेकिन लड़ाई लड़ते लड़ते युद्ध करते करते थक गया, चूर चूर हो गया, अब क्या करे? छोड़ दे तो मर जाएगा। नहीं, जो थक जाता है वो फिर सहायता मांगता है। क्या कोई ये इच्छा करता है तो कोई मेरी आकर के सहायता करे, अच्छा करता है ना। तो माया ने अज्ञातवाणी में बोला, माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया। कुमार कहता है शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने के बाद किससे हाथ मिला लिया? प्रकृति से हाथ मिला लिया। प्रूफ, प्रूफ भी पक्का है। ब्राह्मणों की दुनिया में प्रकृति का पाठ किसका है और माया का पाठ किसका है? आप नहीं बोलिए, आप नहीं बोलिए, इन लोगों को बता दो। மாயாவோட பாட்டு பண்ணது யாரு? மாயா பாட்டு பண்ணது யாருன்னு அதாவது என்ன சொல்றாரு? பூமி ஒழுக்குதான் சீதா கிடைச்சான், பூமாதேவி ஒழுக்குவாங்க
சீதை கடைசா விட்டு சீதை எழுதுறது என்ன லட்சம் அஞ்சு இதுதான் இருக்கு. காம் குரோத லோக மோக அதுதான் இருக்கு. அஞ்சு தத்துவங்கள் பூமி ஆகாசம் மண்ணில் காத்து நீர் நெருப்பு இந்த அஞ்சு தத்துவங்களும் ஒன்னா சேர்ந்தாதான் ராவணன். இது அது பாதா பத்து தலை ராவணன். இந்த பத்து தலை ராவணன் யார் சக்திசாலி விகாரம் லட்சம் பத்து தத்துவங்களா நிற்கிறேன். அப்புறம் இந்த பஞ்ச தத்துவங்கள்ல மிக யார் சக்திசாலி தெரிஞ்சா வந்து அப்புறம் பாபா இருக்கா இந்த இது இருக்கு இல்லையா பூமா விகாரம் ஆகுது மாயா மாயா ஆகட்டும் ரொம்ப சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு தோத்துக்கிட்டான் ரொம்ப டயர்டாகி விழுந்துட்டான். அப்போ அவன் ஹெல்ப் கேட்குறான். ஹெல்ப் யார் கொடுக்குற யாரு அது யாருன்னு நினைக்கிறான் பாபா ஜெகதம்பா किया गया कार्य क्या भगवान जब आता है तो जिस तल में आता है उस तल के द्वारा जो कार्य करता है क्या कार्य करता है भगवान इस धरती पर आता है तो सबसे बड़ा कार्य क्या करता है ज्ञान देता है ज्ञान सुनाता है वो सबसे बड़ा कार्य है या संघ का रंग लगाता है वो सबसे बड़ा कार्य है जो संघ का रंग लगाता है भगवान आता है तो इंद्रियों के द्वारा कुछ काम करता है कि नहीं करता है करता है ना तो चाहे आंख हो चाहे कान हो चाहे नाक हो चाहे कोई भी इंद्रियां हो इंद्रियों तन में प्रवेश करता है उसकी इंद्रियों के द्वारा मुकर की इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है तो जो भी कार्य करता है उस कार्य में सबसे ज्यादा संघ का रंग लेने वाली कौन माता योगी बच्चे उतने संघ के रंग में नहीं आते जितना बाप संघ के रंग में आता है वो माँ संघ के रंग में आती है तो जिस रंग में परमात्मा बाप प्रवेश करते हैं बाप उसमें प्रत्यक्ष होते हैं उससे सबसे जास्ती मिलन मेला कौन मनाता है वो ही सबसे ज्यादा संघ के रंग में आता है जो जास्ती मिलन मेला मनाता है जो जास्ती संघ के रंग में आता है वो पांडव होगा या कोई शक्ति होगी शक्ति शक्तियों में जो मुख्य है वो है पहली शक्ति जो पहले पहले सरेंडर होती है क्या कौन सरेंडर होती है पहले है? अरे भगवान आते हैं तो पहले पहले कौन सरेंडर होता है नहीं मुरली में भी बताया हुआ बाप जब आते हैं तो पहले पहले सरेंडर कौन होता है बाप के सामने पहले पहले मन बुद्धि से मन से धन से बुद्धि से पहले सरेंडर कौन होता है माया सरेंडर लेकिन माया सरेंडर तो होती है सरेंडर होना एक अलग बात लेकिन निभाना एक अलग बात लेकिन माया भी होती है ना इसलिए निभाती नहीं क्या बाप के साथ अर्पण तो हो गई बाप के सामने लेकिन अर्पण होने के बावजूद भी वो औरों के साथ कनेक्शन बनाए रखती तो माया भी औरत हुई सच्ची औरत हुई माया भी औरत हुई तो माया सरेंडर तो पहले होती है लेकिन माया भी रूप है उसका इसलिए निभा नहीं पाती जैसा निभाना चाहिए सच्चाई में इसलिए वो पहले सरेंडर होती है और माया के बाद दूसरा नंबर सरेंडर होना क्या किसका होता है प्रकृति क्या प्रकृति जो है वो दूसरे नंबर में सरेंडर हो जाती है सरेंडर भी होती है और सरेंडर होने के साथ लंबे समय तक निभाती भी है ऐसे नहीं निभाती है सरेंडर होने के बाद निभाती भी लंबे समय तक निभाती भी है जब निभाएगी तो सबसे ज्यादा ताकत कौन लेगी निभाने वाली सबसे ज्यादा ताकत ले लेती इसलिए ये पांच तत्वों में जो प्रथमी तत्व में जितनी ताकत है उतनी और किसी तत्व में इतनी ताकत नहीं ये जब बिगड़ेगी भू भू माना पृथ्वी भूकंप माना अंग्रेजी में क्या कहते हैं भूकंप को अर्थ माने पृथ्वी पेट माने तो पृथ्वी जब हिलती है तो सारी दुनिया के सब चीज जब तो खलास हो जाती है इतनी ताकत
दुनिया की सबसे बड़ा विनाश जो है वो काय से होगा? पानी की बाढ़ से सबसे बड़ा विनाश नहीं होगा, आग लगने से सबसे बड़ा विनाश नहीं होगा, एटम बम फटने से। लेकिन जब पृथ्वी हिलेगी तो दुनिया का बड़े से बड़ा विनाश हो जाएगा, संपूर्ण विनाश हो जाएगा। तो प्रकृति में बहुत ताकत है, क्या इतनी ताकत है कि सारी दुनिया को खत्म कर देगी। माया ने सबको खत्म नहीं कर पाया। माया पांच विकारों ने, अच्छा माया का रूप कौन है? ज्ञान प्रकृति तो आपने बता दिया, जगदम्बा। जगदम्बा जब हिलेगी, जब विकराल रूप धारण करेगी, तो चाहे बेसिक में हो, चाहे दुनिया में हो, चाहे एडवांस में हो, जितने भी असुर हैं वो सब सब धराशायी हो जाएंगे, सब गिर पड़ेंगे। क्या एक सत्य रह जाएगा, वो नहीं हिलेगा, बाकी सब का सत्यानाश कर देगा, सब का पद नीचा हो जाएगा। इतनी पावरफुल है। तो प्रकृति तो आपने बता दी कि प्रकृति कौन है? ज्ञान में जगदम्बा। माया कौन है? प्रकाश मणि दादी माया का रूप है तो कैसे? जगदम्बा तो आपने जान लिया, जगदम्बा इसलिए जान लिया कि जगत पिता जब प्रत्यक्ष होता है तो जगत पिता के साथ जो ज्यादा निभाने वाली है जीवन में, मेंटेन करने वाली जो शक्ति है वो हो गई जगदम्बा। पहले सरेंडर भी होती है और सरेंडर होने के साथ साथ भी है लंबे समय, इसलिए वो जगदम्बा होगी, वो जगत पिता होगी। फिर उसका अपोजिशन करने वाली माया कौन है? माया जो ज्यादा अपोजिशन करती है। जगदम्बा ने इतना अपोजिशन नहीं किया। அப்புறம் வந்து அந்த மாயை எழுதியாது, அப்புறம் பிரகிருத்தியோட எழுதியாதுங்க, அந்த மாதிரி பிரகிருத்தியோட வந்து ஜெகதம்பா தான். இப்ப பாபா வந்து மாயையோட எழுதியாருங்க, இதுல வந்து முதல்ல சரண்டரான், சரண்டர் ஆயிட்டு பாபா சொல்றதை கேட்டு ஆனா ஒன்றும் பண்ணல, அவங்க வந்து முதல்ல ஒருத்தர் சரண்டர், அப்புறம் இன்னொருத்தர் சரண்டர் ஆயிட்டு பாபா என்ன சொன்னா அதே போல நடந்த, பாபாவோட ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கவும் இல்லை. बीज रूप में है, एडवांस में है वो जो पहले सरेंडर हुई। क्या जब एडवांस किया शुरू हुआ 76 से, तो पहले पहले सरेंडर होकर बाप के साथ कौन रही? जो रही वो बीज रूप में माया। क्या और उस बीज में से जो जड़ निकली वो आज में भी जड़ निकली थी और अभी अंत में भी वो जड़ निकलेगी एडवांस में। क्या जैसे प्रजापिता है बीज और ब्रह्मा है जड़, आधार मूल माँ है, असली माँ कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जो ब्रह्मा है वास्तव में, ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का, वो पुरुष तन छूटने के बाद जिसमें प्रवेश करता है वो जगदम्बा हो जाती है। तो ऐसे ही जो बीज रूप आत्मा है वो तो एडवांस की वो आत्मा है, वो शक्ति है जो पहले सरेंडर होकर के बाप का सहयोगी बन जाती है, भले थोड़े समय के लिए बनती है, ज्यादा लंबे समय तक सहयोग देती नहीं, और जो सहयोग देती है वो भी व्यभिचारी सहयोग। क्या शुरुआत से व्यभिचारी, अब व्यभिचारी बिल्कुल बनती ही नहीं, तो वो माया का बीज है और उस माया के बीज की जो जड़ है
वो बेसिक नॉलेज होगी, वो बेसिक नॉलेज की जो जड़ है वो हम सत्ता का अपोजिशन अभी तक करती रही। किसका? बाप का। 76 से जो बाप प्रत्यक्ष होता है उस बाप को उस माया रूपिणी ने कभी माना ही नहीं कि माना नहीं माना, खुद भी नहीं माना। और जो भी बच्चे थे ब्राह्मण बच्चे, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, सबकी बुद्धि को घुमा दिए, अभी भी घुमा रही है। क्या अभी भी बेसिक नॉलेज में जो चलने वाले बच्चे हैं ब्राह्मण बच्चे, और एडवांस नॉलेज में जो चलने वाले बच्चे हैं, एवर लास्टिंग नित्य बुद्धि कोई भी नहीं है। क्या कोई है? है कि माया बुद्धि को हिला देती है? बच्चे जिसके बुद्धि जो बनते हैं वो कैसे नहीं, बाप आया हुआ है, माया कह के नहीं हो नहीं सकता, बाप नहीं आया हुआ, वो बाप नहीं है। अरे वो भगवान बाप नहीं है, वो तो शैतान है। अभी प्रवेश करके जो गीता प्रचारों के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करके वो सहयोग करेगी, क्योंकि अभी तक तो माया जो थी वो साकार रूप में थी। जो साकार शरीरधारी होते हैं वो तो लोकलाज के बंधन में बंधे हुए होते हैं। गुरु लोग, गुरु लोगों को माया लोकलाज का बंधन होता है कि नहीं? अरे हम उधर चले जाए तो हमारे जो ढेर के ढेर जो फॉलोअर्स है वो क्या कहेंगे? होता है ना लोकलाज का बंधन, अभी तक लोकलाज का बंधन था, अब शरीर छूट गया, ये लौकिक शरीर ही छूट गया तो लोकलाज का बंधन भी खत्म हो गया। तो अब लोकलाज का बंधन नहीं है, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर से जहां चाहे वहां प्रवेश करके ईश्वरीय सेवा कर सकती है। இப்போ பண்ணினாலும் விஸ்வவிஸ்வரங்களை ஒரு நாள் இது பண்ணல அப்படின்னா, அதுக்கப்புறமா என்ன சொன்னாருனாக்க இது இப்போ அப்புறம் என்ன சொன்னார் நடந்து பிடிச்சிருது முதல்ல கொஞ்சம் தான் சர்வீஸ் பண்ணா, அப்புறம் விட்டுட்டு போயிடா, பன்னெண்டு டிஸ்டர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னார், சூக்ஷ்ம சரீரம் வச்சு அந்த பிரதர் கேட்ட சொல்லியிருக்கு மாயை வந்து இது பண்ணா கீதா படிச்சனாலும் அப்படி ஹெல்ப் பண்றாரு. இந்த கீதா படிச்சனாலும் வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்றாங்க எப்படின்னா, சரீரத்தோடு இருக்கிறது அவளுக்கு சுத்தீரத்தோடு இது மான மரியாதை எல்லாம் பார்த்துக்கங்க, சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு தான் அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். அதனால அவன் எங்கேயுமா பிரவேசம் பண்ணி இப்போ மா ஹெல்ப்புக்கா பாபாக்கா சாரியம் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த பீச் ரூட்ல அட்வான்ஸ் இருக்கிற மாயா பாபா சொன்னாரு இல்லையா, அவங்க சத்தியு மே ராதா பத்தி ராதா பத்தி பத்னி பத்னி மே ருக்மணி ராதா தோனோ கோ भक्ति में, भक्ति में आठ पटरानियां और दिखाते हैं, एक नहीं, एक रुक्मिणी ही नहीं है पटरानी, सत्यभामा भी पटरानी है, जामबंदी भी पटरानी है, आठ पटरानियां दिखाई, क्योंकि आठ विधर्मी है तो आठ पटरानी है, और एक पक्की स्वधर्मी है जो एक कोई प्यार करने वाली है वो राधा है, एक है महारानी और बाकी सब है पटरानी, और एक तो आठ है रानी। भक्ति நம்ம மாமாவையும் ருக்மணியையும் காட்டுறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ராதா ஒத்தி பாபா இருக்கலாம், ஒத்தியில எட்டு பேர் உண்டு, பக்தியில மாமா ருக்மணி இந்த மாதிரி எட்டு பேர் உண்டு, அந்த எட்டு பேர் வந்து பட்டாணி விதர்மி ஆத்மாக்கணும், அதாவது சுதர்மி ஆத்மா வந்து ஒரே ஒரு ராதா ஆக்கணும், அவ ஒத்திதான் சுதர்மி ஆத்மா, அவன் மகாராணி இவாளி பட்டாணி
महारानी कितनी? महारानी एक। और पटरानी कितनी? पटरानी माने जिन्होंने बहुत ऊंचा पुरुषार्थ तो किया, बहुत ऊंची उड़ान हुई, लेकिन लास्ट में माया से ऐसी टक्कर हुई कि पट में जाती गई। तो उनका नाम पड़ गया पटरानी। और रानी, महारानी नहीं, पटरानी नहीं, क्या रानी? वो कितनी है? सौ, सौ रानियां हैं, जो ज्यादा से ज्यादा जन्मों तक रानी का पद पाती है। महारानी नहीं बनती, पटरानी नहीं बनती, लेकिन रानी तो बनती है। सौ हो गई रानी। और गोपियां कितनी है? सोलह हजार एक सौ आठ गोपियां है। गोपियां माने जो रानी बनकर के प्रत्यक्ष नहीं हो गई, राजा के साथ रानी बैठती है, तो ऐसी प्रत्यक्ष नहीं है जो कोई जाने कि हाँ ये राजा है ये रानी, लेकिन गुप्त में संबंध जोड़ लिया। क्या सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं हुई, सबने नहीं जाना, लेकिन संबंध जोड़ लिया, तो वो हो गई गोपियां। गोपियां माने संबंध जोड़ने वाली। वो कितनी? सोलह हजार एक सौ आठ। ரகசியமா சம்பந்தம் வச்சுக்கிறான். ஒரு ராணி, ஒரு மகாராணி, எட்டு பட்டராணி, நூறு வந்து ராணி, பதினாறாயிரத்தி நூத்தி எட்டு வந்து கோபி. பாக்கி லோக் பிரஜா ने भी कैसा गरीब है, फर्स्ट क्लास प्रजा, जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं, राजा को बहुत सहयोग देते हैं। जो आठवें जन्म में जो महाराजा होगा आठवां नारायण, उसके राज्य में राम वाली आत्मा बड़ा साहूकार बनेगी। इतना बड़ा साहूकार बनेगी कि जो नारायण है उसको इतना धन देगी, इतना धन देगी कि उसकी सारी राजाई उसके धन के एवज में डूब जाएगी, और राम को राजा ही पड़ेगी। साहूकार को इतना बड़ा साहूकार, इसलिए गायन है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। क्या राम की आत्मा राजा का भी पार्ट बजाता है, प्रजा का भी पार्ट बजाती, साहूकार का भी पार्ट बजाती। तो साहूकार बनना खराब बात है क्या? बड़े बड़े साहूकार राजा के नजदीक बैठते हैं, जब राजकथा लगती है ना, तो बड़े बड़े साहूकार जो होते हैं, ज्यादा सहयोग देने वाले होते हैं धन का, वो नीचे बैठते हैं या ऊपर बैठते हैं? वो भी राजा के नजदीक बैठते हैं ज्यादा। इसलिए मुरली में बोला है कि 16,000 की लिस्ट में जाने से तो अच्छा है साहूकार प्रजा में चला जाए। क्यों? क्योंकि 16,000 की लिस्ट में ऐसे ऐसे भी होंगे जो जन्म जन्मांतर दास दासी बनते रहते हैं, साहूकार प्रजा भी होगी। 16,000 की लिस्ट में 1,000 ब्रह्मा की भुजाएं भी होंगी, वो साहूकार होंगे या साधन होंगे? साहूकार होंगे, बड़े बड़े साहूकार होंगे। பணக்கார பிரஜைகள் வந்து ரொம்ப ராஜாக்கு பக்கத்துலேயே போய் உட்காந்துருப்பார். அதே அதாவது கோபியர்களை பொறுக்கத்தோட பகவஸ்தா பணக்கார பிரஜாவை பொறுக்கலாம். ராம ராஜா, ராம் பிரஜா, ராம் சொக்கரை, இந்த ராம எட்டாவது நாராயணம் மட்டும் இந்த ராமர் வந்து பெரிய பணக்காரனா இருக்கு. பணக்காரர் வந்து அவருக்கு எல்லா அவர் கடன் வாங்குறாங்க, கடன் வாங்கி அவர் கொடுக்குற பைசா அவர் ராஜ்யமே முங்கி போயிடுது. முங்கி போனால் அவருக்கு இதோட அவர் பெரிய பணக்காரன் ஆயிடுது.
राजा बाबा राम राजा राम प्रजा राम शोकर वो प्रजा लोग को सवरा की जन्म आई थी तो पहले जन्म की प्रजा होगी फर्स्ट जन्म की जो कृष्ण के साथ प्रजा होगी कि नहीं कृष्ण अकेला ही पैदा होगा क्या अरे कृष्ण का जन्म सत्यु पहले नंबर होगा तो पहला पत्ता है ना कृष्ण का तो वो अकेला ही पैदा होगा कि उसकी राजधानी होगी पूरी कृष्ण मधुर कृष्ण पकड़ा दिया और कन्या पकड़ा और पूरा वो नया उसको पूरा बनाया राजधानी होगी ना तो राजधानी प्रजा भी होगी फर्स्ट क्लास प्रजा वाले भी होंगे सेकंड क्लास प्रजा वाले भी होंगे थर्ड क्लास प्रजा भी होंगे चौरासी मुनि लगे कृष्ण की राजधानी में जो प्रजावर्ग की आत्माएं होंगी साहूकार आत्माएं होंगी या साधारण प्रजा होगी वो 84 जन्म नहीं जाएगी पहले जन्म में आएगी तो 84 जन्म हो गई बाप है बाप है पढ़ाई पढ़ाता है तो किसी भी ये तो नहीं कह रहे तुम कम पढ़ाई पढ़ो तुम ज्यादा पढ़ाई पढ़ो ये कह सकता है नहीं फिर भी होके पढ़ाई पढ़ो जो फ्री होके पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें एक बच्चा ऐसा है जो पूरी पढ़ाई पढ़ता है और सच्चाई से पढ़ता है इसलिए उसका नाम सत्यनारायण पड़ जाता है सत्यनारायण और बाप शिव उसमें फर्क है या नहीं है सत्यनारायण और शिव दोनों आत्माओं में फर्क है या नहीं है, है? सत्यनारायण राजा ही राजा ही लेता है और शिव बाप राजा ही लेता ही नहीं तो जो सत्यनारायण है वो तो है बच्चा क्या मास्टर सर सचिवान और एक है माया कोई बच्ची क्या वो बच्चा है और वो बच्ची है पढ़ाई तो करती है सारी पढ़ाई पढ़ लेती है लेकिन सच्चाई से पढ़ाई नहीं पढ़ती बाप जैसे पढ़ाई पढ़ाना चाहता है जैसे धारणा कराना चाहता है वैसे धारणा नहीं करती लेकिन है बहुत तीखी कुमार का दादी इतनी तीखी थी कि एक बार मुरली सुनने बाबा से सामने बैठ के और पूरी मुरली ज्यों की तो एक एक शब्द ज्यों का त्यों रिपीट कर देती थी 4-5 पेज की मुरली तो पढ़ाई में तो होशियार थी लेकिन बेसिक नॉलेज तक की पढ़ाई पढ़ी एडवांस की पढ़ाई नहीं पढ़ी मैं स्वीकार नहीं की अंदर से तो पढ़ी लेकिन मायावी स्वभाव होने के कारण अंदर से स्वीकार नहीं की इसलिए वो माया बन जाती है और सर्वशक्तिमान बन जाती है बाबा कहते हैं जितनी हिम्मत करोगे उतनी मैं मदद दूंगा क्या तो अच्छे काम के लिए भी जितनी हिम्मत करोगे तो मैं मदद दूंगा और बुरे काम के लिए भी जितनी हिम्मत करोगे तो मैं मदद देने के लिए बांधा हुआ हूँ किनको ब्राह्मण बच्चों को तो माया जो है बाप का अपोजिशन करने में बहुत हिम्मत करती है तो जितनी हिम्मत करती है बाप उनको हाथ कर लो खूब ताकत लो खूब अपोजिशन करो अपोजिशन करने में माया जो है वो सर्वशक्तिवान कही जाती है प्रकृति सर्वशक्तिवान नहीं कही जाती है क्यों क्योंकि प्रकृति तो बाप की सहयोगी भी बनती है और बाप की विरोधी भी तब बनती है जब माया उसे हाथ मिलाई देती है अभी अवैतवाणी में बोल दिया कि माया ने प्रकृति से हाथ मिलाई है उसका प्रूफ भी आ गया ये आ गया कि प्रकृति जो है वो सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी बाप के दो बच्चे हैं एक बच्चा बन के पैदा होता है एक बच्ची बन के पैदा होती है बाप सूर्य और पृथ्वी
सूर्य है बाप और पृथ्वी है माता, तो दो बच्चे हुए ना बाप के। तो जो पृथ्वी है वो पृथ्वी माता है, तो पृथ्वी माता जो है बहुत पावरफुल है, पावरफुल तो है लेकिन सूर्य के गुणों से उतने जाती नहीं, क्योंकि ज्ञान उतना नहीं धारण करती है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। क्यों? क्योंकि जड़त्वमयी बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? पृथ्वी जड़ होती है या चैतन्य होती है? जड़त्वमयी बुद्धि है, इसलिए जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण बाप को पहचान नहीं पाती है, भले साथ में रहती है, साथ निभाती भी है लंबे समय तक। माया तो अपोजिशन ही अपोजिशन कर रही है 76 से लगातार, लेकिन भगवान को पृथ्वी पति भी कहते हैं। भगवान का एक टाइटल है लक्ष्मीपति, एक टाइटल है पृथ्वीपति, एक टाइटल है मायापति। तो जो भगवान का पार्ट है वो माया का भी पति बनता है। सबसे पहले किसका पति बनता है? भगवान जब इस सृष्टि पर आता है भगवान बनकर के प्रैक्टिकल में, तो पहले पहले किसका पति बनता है? लक्ष्मी पति बनता है, गीता पति बनता है, या माया पति पहले बनता है? पहले मायापति बनेगा। तो जब पहले मायापति बनेगा तो माया से पहले बच्चा पैदा होगा, होगा नहीं होगा? तो माया से जो बच्चे पैदा होते हैं वो असुर होंगे या देवता होंगे? असुर बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए असुर है बड़े और देवता है छोटे। भगवान किसको सहयोग करता है? देव आत्माओं को सहयोग करता है या राक्षसों को सहयोग करता है? देव आत्माओं को सहयोग करता है, इसलिए देवताएं विजयी हो जाते हैं। अगर सहयोग न करे तो देवताएं जितने सबू है राक्षसों रावणों की कुछ भी चलेगी नहीं। शास्त्रों ने इसलिए देवताओं को छोटा बताया और राक्षसों को बड़ा बताया। जो पहले बच्चा पैदा होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, या बाद में पैदा होने वाले बच्चे ज्यादा पावरफुल होते हैं? जिन पहले पैदा होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो मायापति फिर लक्ष्मीपति, அதாவது சர்வசக்தி வாய் பாப்பின்றதா மாயாவின்னு சொன்னா நீங்க கேட்டீங்க. இவன் பாப் வந்து சூரியன் மோனா வந்து படிக்கிறான், படிப்புல நல்ல புத்திசாலியா இருக்கா, நல்ல பிராமணியம் மாய படிக்கிற, ஆனா ஃபுல்லா இது பண்ணது இல்லை. அவன் ஒண்ணு பேசிக் காலேஜ் தான் படிக்கிறான், அட்வான்ஸ் காலேஜ் இருக்குது. யாருனாக்கா குமாரகர் வந்து படிச்சா, படிச்சு விட்டு ஃபுல்லா இது பண்ணல, கொஞ்சம் பிள்ளைய இது பண்ணிடுறேன். பாபா சொல்ல முரளி இருக்கு, அதை ஒரு தடவை கேட்டாக்க அப்படியே நாலஞ்சு பக்கத்தையும் ஃபுல்லா அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க. அவ்வளோ புத்திசாலி. ஆனால் இதுல ஒன்று ஜாமீன் ஒன்றும் கிடையாது, அப்பா வச்சிருந்துச்சு. அதனால தான் வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ சக்தி வாங்க, ராம் பாப்பும் சக்தி வாங்க, ரெண்டு பேருக்கும் சக்தி உண்டு. அதான் ரெண்டு பேருக்கும் அதான் அதான் சக்தி. இவர் வந்து ஞானத்தை கேட்டு அது போன கிராமத்திலே நடந்தா, ஆனால் இவரும் சக்தி அவங்க புத்திசாலி. அவங்க வந்து பாதி படிச்சு விட்டு இவருக்கு இதுவாக இருக்கு, அதனால அவனுக்கு அந்த சக்தி இருக்கு, அதனால அவ்வளோ சக்தி வாங்க. அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மி பத்தி அவர் யாருடைய பத்தி ஆனாலக்க மாயாபத்தி, மாயாபத்தி மாயாபத்தி முதல் அவர் மாயாபத்தியா இருந்தா அவன் மூலமா பொறுக்கிற குழந்தை வந்து ராட்சசதி. அடுத்தது வந்து வந்து தேவதை, தேவதைகளோட ராட்சசத்து மனம் ஜாஸ்தி அவர் பெரிய வாழ காட்டுது. நம்ம படத்துல பெரிய பெரிய சித்திரங்கள் கட்ட தேவதை சித்திரத்தை அந்த தேவதைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு பகவான், பகவான் வந்து தேவதைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால தான் தேவதைகள் வந்து ராட்சஸ்களோடு சண்டை போட்டு ஜெயிக்கிறார்.
இல்லாட்டா தேவதைகளால ஜெயிக்க முடியாது. तो कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, काश्य माने तेज, काश्य माने तेज, कौन सा तेज, याद का, याद का तेज जिसने सबसे जास्ती और सबसे पहले पी लिया उसका नाम पड़ा कश्यप। क्या का माने ब्रह्मा भी होता है, का माने ब्रह्मा, माने ब्रह्मा को सबसे पहले जिसने पी लिया, तो ब्रह्मा के द्वारा जो भी ज्ञान निकला किसने पिया, कश्यप ने पी लिया। तो जितने सबसे पहले वो ज्ञान पी लिया माने ब्रह्मा को पी लिया वो हुआ कश्यप। और कश्यप ऋषि दो पत्नियां थी, एक दिति और एक अदिति। दिति कहते हैं जैसे कोई चीज हो, जैसे कोई कागज, दो कागज दो कागज, एक का नाम दीदी एक का नाम अदिति। ये दीदी कब दीदी कहा जाता है, ये दीदी हो गया और ये अदिति क्या जो हटा हुआ है वो दीदी और ये है अदिति। माने ये पवित्र है और ये अपवित्र है। तो जो अपवित्र है दीदी है, दीदी उससे दैत्य पैदा हुई। क्या दीदी से दैत्य पैदा हुए और अदिति से अद्वैत, जिन्होंने दूसरे को नहीं माना एक को माना, माना देवता है। देवता है किसको मानते हैं, दो को मानते हैं या एक को मानते हैं, भगवान को मानते हैं तो देवता, और जो दो दो को मानते हैं तीन तीन को मानते हैं वो असुर। देवताओं का एक बाप होगा या असुरों का एक बाप होगा, देवताओं का एक बाप दूसरा न कोई, और असुरों के दो बाप होते हैं। इसलिए कृष्ण को दो बाप दिखाए गए, कृष्ण को दो बाप दिखाए गए हैं। भक्ति मार्ग में जो कृष्ण जी से कहा गया है उसको कितने बाप है, दो बाप, एक पैदा करने वाला एक पालने वाला। नहीं कृष्ण तो देवता है ना, जिस कृष्ण के लिए गीता का भगवान कहते हैं, जो कृष्ण गीता का भगवान बनाए दिया गया वो कृष्ण जो गीता के गीता माता के ऊपर पति बन के बैठ गया वो देवता की लिस्ट में होगा या राक्षस की लिस्ट में होगा, वो किसकी लिस्ट में होगा, राक्षस की लिस्ट में हो गया। ऐसा बच्चा तो कुपत्ता भरा हुआ ना, द्वितीय அதிதி மூலமா வந்து அத்வைதம், அவன் ஒரே பகவான நம்பரவா, அவர்கள் வந்து தேவதை, இது வந்து ராட்சசர்கள், ரெண்டு பேருக்கு ஜென்மம் வருது அப்படிங்கிற. அப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு எப்படி ரெண்டு அப்பா கட்டுவான், ரங்கக்குமார் ஒன்னு ஒருத்தர் வந்து பெற்றவர் ஒருத்தர் வளர்த்தினவர், அவருக்கு ரெண்டு அப்பா கட்டுறாரு. அதே போல இந்த இடத்துலயே ராட்சசருக்கு ரெண்டு அப்பா உண்டு அப்படிங்கிற, தேவதைகளுக்கு ஒரே அப்பா. கீதா மாதாக்கு பத்தியா கீதா கீதா மாதாக்கு அவனுக்கே பத்தியா இருக்க உட்காந்து
அம்மாக்கே பத்தியா போயிருந்தா அந்த குழந்தை ராட்சஸ அந்த மாதிரி குழந்தை लेख रज में उसका डाउट स्टार्टअप करके डाउट क्लियर करने के लिए उसके सारे बाबा को सुना है। अभी उधर दो मंत्र, एक तो गीता मंत्र, दूसरा था राधा भक्ति। वो राधा भक्ति कन्या है, कन्या है क्या, तो माता है क्या, दोनों ही माताएं थी। माता क्या, भारत माता भी थी और जगत अम्बा भी थी। जगत अम्बा माने सभी देवियों की अम्बा, सभी महाद्वीपों की अम्बा, या सिर्फ भारत की अम्बा, सारी पृथ्वी की अम्बा। वो सारी पृथ्वी जब होती है तो उसमें देवता देवात्माएं भी होती है और राक्षसी आत्माएं भी होती है, वो सब की अम्बा। और जो दूसरी माता थी वो अम्बा तो थी लेकिन भारत की माता है, माने जो आज से अंत तक भारतवासी बन के रहे हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, उनकी माता है भारत माता। जो अव्यक्तवाणी में पहली अव्यक्तवाणी में बोला ना, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही ना है। माता तो है लेकिन वो भारत माता है, नष्ट होने वाली माता है या अविनाशी माता है। भारत अविनाशी देश है, अविनाशी खंड है या विनाशी खंड है। अविनाशी जो जो अभिविचारी अभिचारी बनेगी, जहाँ बहुत मान्यता है वो अविनाशी खड़ी, और जिन विदेशों में विचार को मान्यता दे दी, क्या विचार को मान्यता दे दी, ज्यादा से ज्यादा शादियां करो, खूब सुख भोगो, खूब बच्चे पैदा करो, तो विनाशी हो जाते। विचार से होता है विनाश, अव्यविचार से होता है स्थापना, प्योरिटी से होती है स्थापना, इम्प्योरिटी से होता है विनाश। பவித்திரம் ஜாஸ்தி உண்டு, பாக்கி இருக்க நாட்டு எல்லாம் அவ்வளவு பவித்திரம் கிடையாது, அது நிறைய கல்யாணம் நிறைய ஜாலியா இருந்து இது பாக்கி இருந்து இந்த இடத்துல வந்து பவித்திரத்தாக்கு மரியாதை அதனால வந்து ரெண்டு பேருமே மாத்தால கல்யாணம் बात माता बोले तो उसको पति तक वो कौन है उसको आए भारत में भगवान। अरे पति आता है तो किसका आधार लेता है, किसमें आता है, पति है तो किसका आधार लेता है, माता का आधार लेता है ना। आए भारत में भगवान के किसका आधार लिया, माता का ही आधार लेता है। फिर ये क्या बोलते हैं, राम तो एक पत्नी वाला है, सेवक राम का पत्नी है क्या, वो किसका पति, जो ये की आज में दो माताएं थी कलयुग के अंत में सब पतित होते हैं कि कोई पावन भी बचकर सब पतित होते हैं, क्या सब पतित हैं, और ज्यादा पतित पना कौन से देश में, भारत में। और भारत में भी कौन सा ऐसा शहर है जहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चा बढ़ती चलिए, कलकत्ता महाकाली की पूजा कहाँ होती है, कलकत्ता।
महाकाली मांस हो रहे या शाकाहारी है? दो प्रकार की देवियां हैं, एक मांसाहारी और एक शाकाहारी। तो मांसाहारी की पूजा कहाँ होती है? कलकत्ता होती है। तो कलकत्ता जो है उसमें चाहे ब्रह्मा बाबा हो चाहे उनका भागीदार हो, भागीदार है तो पतित बनने में भी भागीदार है और पावन बनने में भी भागीदार है। तो ये पूछने की बात है क्या लिया भारत माता तनिया इले भगवान भगवान को माता तनिया मैडम भारत माता अब भारत माता युगन कैरमान कहना पतिना पति पावे क्या रोम पति ना इंडिया भारत ना रोम पति भारत नाटे कलकटा अब रोम मोशमा அது எப்படினாக்கா அந்த பிரச்சா காளிக்கு பூஜை பண்ணுவோம். காளிக்கு வந்து ரெண்டு விதமான நைவேத்தியங்கள் பண்ணுவோம். ஒரு வந்து நாலு நாலு விஜய நைவேத்தியம் பண்ணுவோம், வெஜிடேரியன் நைவேத்தியம் பண்ணுவோம், பாம்சம் மாம்சம் ரெண்டு நைவேத்தியம் பண்ணுவோம். அப்ப எங்க இருக்கு இதுவா இருந்து ரொம்ப மோசமா இருந்து நீங்க दाक्षारी और पार्वती है और जगदम्बा के दक्ष प्रजापति नाम था ना, तो दक्ष प्रजापति की पुत्री का नाम है दाक्षारी। उनका दूसरा जन्म होता है तो उनके पिता होते हिमालय, क्या हिमालय आलय, हिम माने बर्फ, आलय माने गढ़, यहाँ बर्फ का ही घर है, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, उसको बोलते हैं हिमालय। तो चाहे हिमालय हो चाहे दक्ष प्रजापिता हो या दक्ष प्रजापति हो, बात एक ही है। अब उसकी पुत्री का नाम है एक जन्म में पार्वती, एक जन्म में दाक्षायणी अपने हिमालय हिमय मेरे आयुष्मान पे पार्वती और जन्म दाक्षायणी इन जन्म पार्वती और